सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। आल टिलूस अर्ज किया है, दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है, दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है, मुबारक हो मोमिनों, रमजान आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदगी में पहली बार अच्छा शेर दिया रजाक भाई। फ्री हो रहा रे लौंडे, चल सामान निकाल पूरा। ए ए हल्लू रे, राशन के पैकेट हल्लू हल्लू, ए हल्लू हल्लू, ए टिल्लू, ए लड़ो ना कर, इधर टिल्लू, इधर ला गिरेगा बात, राशन के साथ ही चलो। यार रखो इधर रखो। लाला हल्लूला हल्लूला गिरेगा ना भाई, पहले देने का है अम्मा। चलो तौबा तौबा, खानदान में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। अरे अब क्या करा जी मई, चार दिन पहले पूरे घर का राशन लेके आई थी मैं, तीन दिन से देख रही हूँ तुम बेचैन बेचैन घूम रहे थे, तो ये तैयारी में लगे थे बोलो। कौन सी तैयारी? कौन दे रहा, कब दे रहा, किधर दे रहा, किसको दे रहा, कैसा दे रहा, ये फिराक में लगे थे नहीं तुम? कौन सी फिराक जी? भीख की फिराक। कहे कुछ जी इतने हिरस, कौन से दुनिया के वास्ते, क्या तुम लंगड़े लूले या अंधे बहरे है क्या? अरे बोलना क्या चाह रहे थे तुम, जो भी है खुला खुला वो रसर, मेरे को मेरे टेंशन आप, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अब का भीख मांगने जा रहे, मंगके लाए सो सामान बस नहीं हो रहे तुम्हारे को, पहले मेहमान खाने को पोटली खाना बना के रख दिए तुम, अब मंगके लाए सो सामान कहाँ रखते? तुम्हारे अम्मा का कलेजे पे रखता हूँ। अजी पागल आदमी, ज्यादा नको बोलो। देखो बेगम मैं क्या बोल रहा था, अपना राशन तो क्या है चार दिन पहले आ गया, मगर मैं जो है सुना रमजान से पहले गरीबों को मुस्तहिक लोगों को राशन देने की नियत करा था, इसके वास्ते लाया था सब। अच्छा तो पहले बोलना था ना जी, मैं तो भी सोच रही थी कहाँ तो भी मंगके भीख मंग के आ रहे। क्या बोले? क्या भी नहीं, मैं बोल रही थी अल्लाह ताला आपको नेक हिदायत दियो। अच्छा 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 अच्छा, मगर मैं तो कुछ और सुना ना, आप थक गए होगे नहीं, चलिए बैठ के बात करते, चलो चलो बैठो, समझाती हूँ। क्या समझाना है कि बोलो, हल्लो हल्लो बोलो। तो मैं ये बोल रही थी कि तुम गरीब लोगों का, जरूरतमंद लोगों का, सबका ख्याल करते, मगर जिसका करना रहता उसका नहीं करते। अरे मैं लिख दिया भाई, तुम्हारे अम्मा बाबा का नाम भी लिख दिया। इतना जल्दी समझे तो और क्या था कि? अच्छा तुम्हारी बहन को भी देना है? दे देंगे भाई, तुम्हारे खानदान में जितने गरीब हैं पूरों के नाम बोलो, पूरों को दे देंगे, बोलो। अजी तुम्हारे बेकारी के मजाक है ना, तुम बस करो समझे। मैं ये बोल रही थी कि तुम पूरे दुनिया का ख्याल करते मगर मेरा नहीं करते। अरे क्या बात कर रहे बेगम, व्हाट इज दिस? क्या जी? अरे बोलो जी बेगम, मैं क्या करूं तुम्हारे वास्ते, बोलो। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, बोलो क्या करूं तुम्हारे वास्ते। तुम पहले फेंकना बंद करो ये चांद तारे वाले नक्को में को, इफ्तारी के बर्तन धोके दे दो बस। अरे ये नाजुक कामा नहीं होते भाई अपने से, कुछ भी तुम गया जानदार मजबूत तकलीफदार काम है तो बोलो। बच्चा पैदा करके दिखाओ फिर। क्या बात कर रहे जी तुम, व्हाट इज दिस? हाँ मैं अच्छा सोचा था भाई ये रमजान में तुम्हारे पर एक एहसान करेंगे बोलकर। मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना? ए गरीब औरतों की सलमान खान। पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। सुनो। अब के रमजान में मैं आपको सहरी के और इफ्तारी के पकवान से आजाद करने वाला हूँ। अरे वाह, वो कैसे? मैं कहा अच्छा सोच लिया सु पूरा, अब के रमजान में सहरी इफ्तारी पूरा बाहर करता हूँ, ले बशी दे बशी बोल के हल लगता का खाता हूँ। पेट है गंडी पेट है हल लगता का खाने के वास्ते? वो फुगट का थोड़ा ज्यादा खाया जाता ना बेगम। फुगट का खा खा के पेट दो महीने का कर लिए, अब रोज हलकता का खाए तो नौ महीने का हो जाएगा पेट। एक चर्चे और थोड़ा जबान संभाल के बात करो, और तुम पेट संभाल के बात करो। रमजान का महीना इबादत का महीना है, ठुसकने का महीना नहीं। बोल रहे भी कौन देखो,
खुद तो फकत 4000 में खपे हुए रहते, कभी अम्मा की शॉपिंग, कभी बाबा की शॉपिंग, कभी खाला की शॉपिंग, कभी फूफू की शॉपिंग, कभी भाई की शॉपिंग, अरे खाली शॉपिंग करते रहते। रमजान इबादत का महीना है, शॉपिंग करने का नहीं। फकत मेरी शॉपिंग पे नजर रखो। फकत तुम मेरे जेब के ऊपर ही नजर रखो, कब कब खर्चा करूँ इनका बोल के। वो क्या की बा, मेरी शॉपिंग के बारे में तुम कुछ भी नको बोलो। रमजान के आखिरी हफ्ते में क्या क्या करना है सब प्लान करके रखी सो हूँ। अच्छा, क्या प्लानिंग करा जरा बोलो। मंडे को ना अपन शॉपिंग को जाएंगे, ट्यूसडे को अपन पिस्ता हाउस की हलीम खाएंगे, वेंसडे को अपन शाह हाउस की हलीम खाएंगे, ठीक है, और फिर थर्सडे को अपन जाके बिरयानी खाएंगे पैराडाइज की चार मीनार के पास बैठ के, फिर फ्राइडे को अपन जाएंगे मक्का मस्जिद में रोज़ा खोलने, और फिर सैटरडे को अपन जाएंगे मीनार गार्डन, फिर संडे गुदर खान को जाएंगे। वो कहीं को भीख मांगने। तुम्हारा पीछे खर्चा करना बोले तो तब भीख तो मांगना ही पड़ता है ना। मेरे पीछे खर्चा करने को आपको तकलीफ होती, जब मैं बात नहीं करती आपसे। सही जा रही, आदत डाल लो इसकी, रमजान में एनर्जी सेव करने आसानी होती। अरे नाराज होगा। अच्छा सुनो बेगम, देखो तब खाली में कुछ है। क्या हुआ बेगम, व्हाट इज दिस? अब मजाक भी नहीं करना तो बोल दो भाई, नहीं करना है तो बोल दो। अरे ऐसा नाराज बैठ गए भाई। ये सिचुएशन पे एक शेर अर्ज किया है। इरशाद इरशाद, रूठे हैं वो इस तरह जैसा कि हम उन्हें सच में मना लेंगे। वाह 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 वाह। रूठे हैं वो इस तरह जैसा कि हम सच में उन्हें मना लेंगे, इतना वक्त कौन सा है करे, इतने में तो हम दूसरी पटा लेंगे। अब बोले बोले फिर से ऐसे बेहुदा शायरिया करे, बोरे बिस्तर उठा के अपने अम्मा करने चले जाते, पहली बता रही हूँ। मजाक कर रहा था भाई। नहीं मजाक भी नहीं करना तो बोल दो, मैं नहीं करता आज के बाद से मजाक आपसे। तुम्हारे को मेरी शॉपिंग से क्या मसला है? मेरे को मालूम रमजान का महीना इबादत का महीना है, मालूम मेरे को, पर खाली बाता नहीं करना, इस पे अमल भी करना। करते भाई, बराबर अमल करते हम, बोलने वालों में से नहीं है, करके दिखाने वालों में से हम। ऐसा तो मतलब आप रोजे रखते बोल रहे? अब थोड़ा सा वो मालूम ना जी, तबीयत आजकल खराब रहनी तो थोड़ा मुश्किल है। तरावी पढ़ते नहीं? अरे घुटनों में दर्द है ना जी, क्या है बाजू के मस्जिद में सवा पारी का तरावी रहती है तो थोड़ा घुटनों में दर्द है तो मुश्किल है। तो फिर इफ्तारी भी नहीं करते होगे ना? और होता ना भाई, अब क्या इफ्तारी भी नहीं करेंगे इंसान, करते इफ्तारी बराबर करते भाई, सवाब का काम है वो, करना पड़ता। अजी पागल आदमी, इफ्तारी करना सवाब है, पर उससे भी बड़ा सवाब है रोजा रखना। कयामत के दिन रोजा और कुरान अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश करते। मालूम है, मागू मालूम है भाई, वो सब सब मालूम हमार को। क्या है, कयामत के दिन रोजा अल्लाह से बोलेगा, ऐ अल्लाह ये बंदा मेरे खातिर खाने पीने से दूर रहा, बुरे आदतों से दूर रहा, लिहाजा मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल कर। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसकी सिफारिश कबूल फरमाते। तो ये सब मालूमात रख ले के अच्छा डालते, सवाब अमल करने से मिलता, भाषण ना देने से नहीं। करते जी अमल भी करते, मैं बोला ना हम बोलने वालों में से नहीं है, करके गुजर जाने वालों में से जी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 30 के 30 रोजे रहता मैं। हाँ, और कुरान वो कौन पढ़ते, आपके चिच्चा? चिच्चा तो पढ़ते भाई, मैं भी पढ़ता हूँ। कहे रमजान के महीने में कम से कम एक बार तो कुरान मुकम्मल करना। अच्छा आप करते? हाँ बराबर करते भाई, हम भी करते, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उन लगा भी करते। रोजे क़यामत के दिन कुरान अल्लाह ताला से बोलेंगा, ऐ अल्लाह ये शख्स मेरे खातिर रातों में जगता रहा, रातों की नमाजों में मेरी तिलावत करता रहा, लिहाजा मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल कर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसकी सिफारिश कबूल करेंगे। ये नहीं मालूम था मेरे को। खाना मालूम फिर। रमजान का महीना मगफिरत का महीना है, रोजा इंसान को जहन्नुम की आग से बचाता। अच्छा हाँ, रमजानुल मुबारक के महीने का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करो, वेलकम करो, रमजान के मुबारक महीने में नेकियां कमाओ और गुनाहों को माफ कराओ, समझे? समझे। अरे मगरिब का टाइम हो गया,
चलो छत पे जाके चांद दिखाएंगे। चलो 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 महजबीन चलो। महजबीन कौन? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम। तो मेरे को मालूम है आप लोगों को बहुत मज़ा आया, आप लोग एक्साइटेड थे ये सीरीज़ के वास्ते, नो डाउट। तो गाइज, ये महीने में, रमज़ान के मुबारक महीने में, हमारा टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, और ये काम आपके सिवा कोई नहीं कर सकते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप आपके फैमिली में, आपके दोस्तों से, आपके फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज में, स्कूल में, ज़्यादा भी आपका फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे, सबसे जैसे आप हमारे चैनल गोल्डन हैदराबादी को सब्सक्राइब करो, और आप लोगों की वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर मार के वायरल करो। कुछ बोलना चाहिए? हमने बहुत मेहनत की तो बहुत सारा प्यार बरसाई है, थैंक यू। दिख रहा होंगे, दिख रहा होगा। तो गाइस, अगर आप लोगों को रमजान में बेहतरीन ज़बरदस्त कुर्ते ख़रीदना है तो आपके वास्ते ज़बरदस्त एक शोरूम है ओल्ड सिटी में, फैशन एंड फ्रीडम, चंदन गुट्टा, नियर अमीन कॉलोनी, बिसाइड फलकनुमा ब्रिज। तो वहाँ से जाके आप जो है सो बेहतरीन ज़बरदस्त ऐसे कुर्ते खरीद सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, लाइक कमेंट शेयर करना, वायरल करना और सब्सक्राइब करना नक्को भूलो। नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है, फुल दबा के कॉमेडी रहेंगी। मैं जमीन कौन है वो, कौन है वो? रमजान मुबारक, एडवांस में मुबारक।